वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, इस वीडियो में एमए पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर के ही मैं अभी जो आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कट ऑफ है एमए पॉलिटिकल साइंस का। इसमें अगर हम पेपर की बात करें तो दो पार्ट में होता है, एक 40 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है और 60 मार्क्स का थ्योरी रहता है। एमसीक्यू का आइडिया लग जाता है क्योंकि इनका जो पेपर है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, इस वजह से स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाता है, मतलब कि एमसीक्यू का जो सेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर 60 मार्क्स के थ्योरी की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन है वो दिया ही नहीं जाता है, इस वजह से एमसीक्यू में ज़्यादातर स्टूडेंट्स आइडिया लगा लेते हैं लेकिन थ्योरी में आइडिया लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल अगर बात करें इन सब के बावजूद भी फिर भी देखें तो कट ऑफ मतलब ऑलमोस्ट 78 के पास आने बड़ी बात हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि एमए पॉलिटिकल साइंस जामिया का काफ़ी डिमांडेड है और इनके कट ऑफ भी हाई रहते हैं। लेकिन ये है कि कट ऑफ जो है ना दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब क्या, एक तो क्वेश्चन के लेवल, अगर क्वेश्चन के लेवल इजी रहेगा ऑब्वियसली कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो आपने एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है, लास्ट ईयर पेपर से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि पेपर का लेवल क्या है। मगर अगर याद रखें पेपर का लेवल लास्ट ईयर के तरह है तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो आपको दिख रहा है इसी के बियॉन्ड में रहने वाला होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी रियल्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक आपके फोर्थ वीक मतलब सेकंड वीक मुश्किल लग रहा है, थर्ड वीक में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन थर्ड या फोर्थ वीक में आपके एमए पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट आ जाएंगे। रहा सवाल बाकी कोर्स को लेकर, आपको जिस भी कोर्स पे कट ऑफ वाली वीडियोस चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, लास्ट के कट ऑफ के हिसाब से उस पर वीडियोज़ आ जाएंगे। यहाँ पे आपका डिग्री वाइज देख सकते हैं जनरल का कितना क्या है, मुस्लिम का, मुस्लिम ओबीसी का, मुस्लिम वुमेन का। एंड आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेट डालने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।